नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में दिन दहाड़े ब्लोरो सवार कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का किया अपहरण। एमपी साइंस कॉलेज में नए कृषि कानून के विरोध में खेत किसान मजदूर संघ द्वारा महापंचायत का किया गया आयोजन। और शनिवार की देर रात अय्यरपुर थाना क्षेत्र के जीरो माइल चौक के समीप अपराधियों ने गोली मारकर व्यवसायी की हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से एक किराना दुकानदार को ब्लोरो सवार कुछ लोगों ने दिन दहाड़े अपहरण कर ले गए। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में बना हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक किराना जनरल स्टोर दुकानदार सार सदर थाना क्षेत्र के पताही मांदापुर निवासी अवजीत पांडे उर्फ चंदन को हथियार से लैस कुछ सिविल ड्रेस में आए लोगों ने उठा कर ले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अजीबोगरीब चर्चा होने लगी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह करीब 10 बजे हथियार से लैस तकरीबन 3 से 4 लोग फोर व्हीलर से अवजीत के दुकान पर पहुंचे और पूछताछ के बाद दुकान बंद कराकर दुकान का चाबी बगल वाले दुकानदार को देकर अवजीत को लेकर चले गए। इलाके में चर्चा यह हो रही है कि पुलिस कर्मी थे जो कि सादे लिबास में आए थे। हालांकि अभी तक कोई अधिकारी पुष्टि नहीं मिल सकी है। घटना के संबंध में स्थानीय दुकानदार व अवजीत के पिता भरत पांडे ने बताया कि प्रतिदिन की तरह आज भी दुकान खोलकर बैठा, इतने में ही कुछ लोग आए और अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। घटना को लेकर परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। चाबी दी है, कहे कि पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कुछ पूछताछ करेंगे बस। हाँ हाँ, पुलिस वाले। कितने की संख्या में थे? 3 आदमी। पाँच आदमी हथियार वगैरह सबके पास जी? हथियार वगैरह ना वो तो हम ना देखे। दुकान में लड़का के हाथ से उठा के ले गया। कहाँ से? दुकान पर से। जनरल स्टोर भैया। घंटा पहले वो अभी किया घर से। हम लोग को खबर मिला है, घर से आए खोजने के लिए। क्या पता चला है? पता चला है तो लोग कह रहे हैं 5-6 गो सिविल ड्रेस में आया है और उसको मोबाइल छीन लिया, उठा के ले गया। पहले स्टैंड में ले गया, जाके बात किया, अब बात करके उठा के कहाँ ना कहाँ ले गया। मोबाइल जब्त कर लिया दोनों। दुकान का चाबी वगैरह? दुकान का चाबी तो है, यहाँ रखा हुआ है। हाँ, दुकान है सामने जनरल स्टोर। पहले कभी जेल भी गया है? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं गया। क्या नाम था लड़का का? अवजीत कुमार। पुलिस पुलिस आया था, क्या बातचीत हो पाई है? पुलिस के तो एंट्री हम कराया है, यही जो आप पूछ रहे हैं जो उनको हम लिखा है। आश्वासन तो लिख लिए, कहे से थाना पर आइए, हम ले चलिए हम आ रहे हैं। क्या नाम था लड़का का? अवजीत कुमार उर्फ चंदन पांडे, हवाई अड्डा मायदापुर। एमपी साइंस कॉलेज में खेत किसान महासंघ द्वारा नए कृषि कानून के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के हजारों किसान शामिल हुए। 3 कृषि कानून के विरोध में देश में चल रहे आंदोलन अब यह दिल्ली के बॉर्डर से उठकर देश के विभिन्न राज्यों में अपना पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में रविवार को गोबर सही स्थित महेश सिंह साइंस कॉलेज परिसर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के किसान महासभा पंचायत के संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवाद और उड़ीसा के किसान नेता रघुनाथ दास ने खेमस के कार्यकर्ताओं और किसानों के समक्ष कृषि कानून को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार को इस 3 काले कानून को वापस लेना होगा। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए बार बार प्रयास की, लेकिन हर मोर्चे पर सरकार का षड्यंत्र विफल रहा और किसानों की जीत हुई। आज किसान आंदोलन देशव्यापी रूप ले चुका है। 3 काले कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल 2020 एक ही उद्देश्य से, यानी किसानों की खेती और जमीन पर कॉरपोरेट घरानों के कब्जों के लिए बनाया गया है। जो दिल्ली बॉर्डरों पर किसान धरने पर बैठे हैं,
उस आंदोलन की आवाज़ को देश के कोने कोने में, घर घर में, गांव गांव में फैलाने के लिए की जा रही है। आज बिहार राज्य ने मुजफ्फरपुर के अंदर ये सफल पंचायत की है। देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही है। 3 जो कृषि कानून है और बिजली बिल है उनको रद्द करने की हमारी किसानों की लड़ाई है। MSP के ऊपर किसानों की हर फसल की गारंटीड खरीद हो, ये हमारी लड़ाई है। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, भारत सरकार इन 3 काले कानूनों को, बिजली बिल को रद्द नहीं करेगी और MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाएगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है हम जीतेंगे, जीत के ही हम घर जाएंगे। भारत बंद की आह्वान कर रहे हैं क्या? संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत तरह के आह्वान किए हैं। 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है, शहादत दिवस है। इस दिन सारे देश में उनको मनाया जाएगा और बॉर्डरों के ऊपर भी युवा लोग अपार संख्या में जमा होंगे। 26 तारीख को पूरे देश में हर तरह का ट्रांसपोर्ट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, बाजार हो, भारत बंद होगा और फिर एक बार साबित होगा कि हिंदुस्तान की जनता किसानों के साथ है। और ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं बल्कि ये जन आंदोलन है। वहीं उड़ीसा से आए किसान नेता रघुनाथ दास ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि पूरी जनता का आंदोलन बन चुका है। हर राज्य में बड़ी बड़ी महापंचायतों में हो रही है। आज मुजफ्फरपुर का किसान महापंचायत इसका गवाह है। साथ ही आगामी 26 मार्च को संयुक्त मोर्चा के भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान भी किया। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय सचिव है। हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन निश्चित रूप से किसान लोगों का जीत होगा। जैसे मोदी एक बार हारा था, वापस लेना पड़ा उसको, ये जो ऑर्डिनेंस लाया था, इसलिए हम लोग सारा देश जोड़कर ये आंदोलन चला रहा है। ये आंदोलन हम लोग के लिए एक इज्जत का सवाल है एवं हम लोग ये आंदोलन जीतेंगे। दूसरा बात यह है, हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, हमारा संगठन तरफ से 28 अप्रैल तारीख को सारा देश में कन्याकुमारी से दिल्ली तक किसान मार्च होगा। अय्यपुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा गांव में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गया। अहियापुर के विजय छपरा गांव के नया टोला मोहल्ले में रविवार की दोपहर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लाख से ऊपर संपत्ति के साथ 2 परिवारों का घर जलकर राख हो गया। वहीं घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त घर वाले अपने अपने काम पर गए हुए थे। जैसे ही आग की लपटें घर से उठने लगी तो मोहल्ले में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पहले आग को बुझाया, फिर सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं मंजू देवी ने बताया कि वह सब्जी बेचने का काम करती है, उसी सिलसिले में वे बाहर गई हुई थी। घर में एक बहू थी, जब आग लगने की सूचना मिली तो घर पहुंची तो देखा पूरा घर जलकर राख हो गया है। घर में रखा हुआ 20,000 रुपया सहित लाखों रुपए के जेवरात एवं कीमती सामान आग से जलकर राख हो गए थे। कोई गति हुआ है तो उसके बाद हम देखे तो हम घर में आग लगे थे तो हम गए तो हल्ला पड़े सबको। कैसे आग लगा था? बिजली से। क्या क्या जला घर में? सब कुछ जल गया। क्या लगभग सोना चांदी सब पैसा सब। बिहार समग्र विकास मंच की ओर से बिहार विधान परिषद के उपनेता देवेश चंद्र ठाकुर का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बिहार विधान परिषद के नव मनोनीत उप नेता देवेश चंद्र ठाकुर का रविवार को शहर में आगमन पर कलमबाग चौक स्थित बिहार समग्र विकास मंच की ओर से अभिनंदन समारोह मनाया गया। इस दौरान मंच के सदस्यों में देवेश चंद्र ठाकुर को फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मुझे सदन का उप नेता बनाने पर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्यमंत्री का सबका साथ सबका विकास ही बिहार प्रदेश की प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि नीतीश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए 5 साल में 20 लाख रोजगार सृजन को लेकर पहल कर रही है। बेरोजगारी मुद्दा हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी, लेकिन सरकार ने भी कहा है कि 2 लाख
इस टर्म में हमारे हम 2 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्टली देने जा रहे हैं। देखिए बिहार में 10 करोड़ 12 करोड़ आबादी है, अगर कोई सोचे कि 12 करोड़ आबादी को सरकार नौकरी दे देगी तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जितने रिक्त पद हैं, जितने सरकार में पद रिक्त हैं, सरकार को सही तरीके से संचालन करने के लिए, चलाने के लिए, ताकि बिहार के हित में जो काम हो रहे हैं वो सारे काम करने के लिए जितने लोगों की व्यवस्था करनी जरूरी है, रोजगार देनी जरूरी है, वो काम तो शुरू हो चुका है, निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो ऐलान किया है कि 2 लाख लोगों को नौकरी हम 20 लाख, मैंने माफ़ कीजिएगा, सरकार ने कहा है कि इस 5 सालों में हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और वो काम शुरू हो चुका है निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ कि उस मामले में अगर थोड़ी और काम करने की ज़रूरत है तो अभी जो हमारे माननीय शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हुए हैं, आप देख रहे हैं कि 25 इथेनॉल यूनिट आने जा रहे हैं, 4 से 5 हज़ार करोड़ की लागत बिहार में होने जा रही है, तो ये आने वाले दिनों का द्योतक है, ये आने वाले दिनों का एक ये कहानी है। इस 5 साल में सरकार मैक्सिमम कोशिश करेगी कि प्राइवेट इंडस्ट्री आए ताकि प्राइवेट जॉब भी लगे, और एक इंडस्ट्री कहीं आ जाती है तो सिर्फ वहाँ 500 या 1000 या 2000 लोगों को नौकरी नहीं मिलती, उसके अगल बगल पूरा गांव और शहर बस जाता है, और उसके उन सभी लोगों का अपना स्वरोजगार का, कोई अपना दुकान खोल लेता है जनरल स्टोर का, कोई किताब का, कोई मोबाइल का, कोई बिजली का, कोई इस तरह का जो सब्सिडरी होते हैं वो खोल लेते हैं, वो काम करने की ज़रूरत है। सरकार में नौकरी खोजते रहना बहुत, मैं हमेशा नौजवानों को कहता हूँ कि सरकार के नौकरी के भरोसे मत रहो, क्योंकि सरकार की भी एक सीमा है, सरकार 10 लाख 15 लाख लोगों को नौकरी दे सकेगी टोटल, लेकिन आप सोचिए कि 10 करोड़ आदमी को 5 करोड़ नौकरी को दे सके तो आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ है, जो हमारे विकासशील राज्य हैं, पूरे प्रदेश हैं, पूरे हिंदुस्तान में वहाँ नहीं हो सका है। लेकिन सरकारी जॉब, सरकारी रोजगार और प्राइवेट इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी, और उस तरह से सरकार उस तरफ बढ़ चुकी, उस तरह कदम उठा चुकी है। स्टार्टअप के लिए बिहार में आपको लग रहा है इसको बहुत है, इसके जैसा बिहार के जैसा उर्वरक जमीन, यहाँ की जैसे उपजाऊ जमीन, खासकर सब्जी के मामले में और फल के मामले में, पूरे माना गया है कि पूरे देश में कोई नहीं, इतने ज़्यादा फल, इतने अच्छे फल, इतनी अच्छी सब्जियाँ, पूरे देश में कोई नहीं। यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट कभी नहीं लगा, हुआ क्या कि पिछले सरकार में, मैं राजनीतिक ये नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली सूचना आपको दे रहा हूँ कि पिछले सरकार में जो लैंड बैंक बिहार सरकार के पास थी, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास, वो भी सब लूट गए और सब अतिक्रमित हो गए, सारे चीनी मिल बंद हो गए। अब 29 चीनी मिल हुआ करते थे आज़ादी के समय बिहार में, आज के दिन में 4 या 5 सिर्फ फंक्शनल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कोई नीतीश कुमार तो जिम्मेदार नहीं है बेचारे। तो हम समझते हैं कि लैंड बैंक क्रिएट करना पड़ेगा ताकि बाहर के लोग जो आएंगे हमारे यहाँ पर सेटअप करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको हम जमीन दे सकें, क्योंकि प्राइवेट से ज़मीन मिलना है नहीं, वो मिलेगा नहीं, सवाल ही नहीं, तो सरकार को देना है, और सरकार ने भी लैंड बैंक क्रिएट शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस 5 साल में पूरी तस्वीर, अभी तक जितना काम किया है नीतीश जी ने उससे मैं समझता हूँ दुगुना चौगुना काम करने का उनका इरादा भी है। नगर थाना क्षेत्र के गोलाबांध रोड में एक 9वीं की छात्र बीते रविवार से लापता है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। नगर थाना क्षेत्र के गोलाबांध रोड स्थित मोहल्ले से 9वीं की छात्रा पिछले रविवार से लापता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार करजा थाना क्षेत्र के अहम विष्णुपुर गांव की निवासी रीना देवी की पुत्री सिल्की कुमारी बीते रविवार से लापता है। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी 1 सप्ताह से ऊपर बीत गए हैं, लेकिन लापता सिल्की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना के संबंध में लापता बच्ची की मां ने बताया कि वह वर्तमान में गोलाबांध रोड स्थित मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर काम धंधा करती थी। रविवार से उनकी पुत्री गायब है, जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 8:30 बजे हम काम करने निकल गए, 11:20 में कोचिंग के लिए निकली, जिसमें से सर के पापा के डेट किए हुए थे तो कोचिंग खुला ही नहीं। उसके बाद 4 बजे हम घर पे गए तो मेरी लड़की नहीं थी घर पे, खोजे उसको, पूछे तो बोले कि कोचिंग से हो सकता है लेट होगा, टेस्ट उस होगा। कोचिंग में गए तो उसके पापा डेट किए थे, कोचिंग खुला नहीं। उसके बाद आता पता करते करते सोमवार हो गया, सोमवार को गए थाना में कंप्लेन किए। आज 8 दिन हो गया, कोई आता पता नहीं है मेरी बेटी का। थाना क्या बोल रहा है? सीधे थाना बोल रहा है भाग गई, जाओ यहाँ से। कौन से क्लास में थे? 9th। कहाँ पढ़ाई करते थे? महिला से लेकर इंग्लिश।
कोचिंग कहाँ करते हैं? ये घर के बगल ही में। क्या आप लोगों को शक लग रहा है? सर हमको कुछ नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। शक क्या लग रहा है? बच्ची कहाँ जा सकती है? कोई लेके जा सकता है? कुछ आप लोगों को शक है? हमको बगल वाली पे शक लग रहा है। क्या लग रहा है? कि वही भगाई है। जीरो माइल रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में बिहार चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा कोरोना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को जीरो माइल रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी, मुसहरी के पीएचएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी, भारतीय चिकित्सक परिषद आयुष मंत्रालय के वीरेंद्र शर्मा और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, सिविल सर्जन सहित कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर हौसला अफजाई किया गया। ग्रामीण चिकित्सकों के और कोरोना योद्धा सम्मान समारोह है। जिन लोगों ने कोरोना से लड़ा है, जिन लोगों ने कोरोना से सामना किया है, तो उन सारे लोगों के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। उनको सम्मान प्रोग्राम सम्मान समारोह में उनको सम्मिलित किया गया है। उनको सर्टिफिकेट्स मेडल से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिसकर्मी, सफाई वाले, मीडियाकर्मी, ये सारे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये आज का प्रोग्राम कुछ डिफरेंट है। हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो भी आए हैं, साथ साथ सिविल सर्जन महोदय भी आए हैं, चीफ गेस्ट में हमारे नगर विधायक हैं वो भी आए हैं, और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जो संगठन के हैं वो भी आए हैं। तो बहुत सारे अधिकारीगण आए हैं और आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक होने वाला है। बिहार गुरु द्वारा बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर विश्व कवि दिवस का आयोजन किया गया। आमगुला स्थित शुभानंदी परिसर में बिहार गुरु द्वारा बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर विश्व कविता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ कवि शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि बड़ा ही गौरवशाली अतीत रहा है बिहार का, और यहीं से ऋषि कवि वाल्मीकि के कंठ से फूटी थी कविता की पहली धारा। शून्य का ज्ञान देने वाले बिहार के साधक ही थे। विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाले बिहार अपनी प्रतिभाओं तथा वैभव के बल पर संसार में सदा श्रेष्ठ, अग्रणी और राज्य रहा है। साथ ही साथ बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार गुरु के तत्वावधान में एक समारोह जो आत्मीय, अंतरंग और विद्वतापूर्ण विशद चर्चा के साथ आयोजित किया गया है। हम जानते हैं कि हमारा प्रांत कितना वैभवशाली रहा है और आज भी है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, विभिन्न क्षेत्र में इतनी प्रतिभाएं हैं जिनका सदुपयोग संसार कर रहा है, लेकिन देश दुनिया का था सिरमौर हम ही भूल गए, नजर गगन में गड़ाई की जमी भूल गए। हम अपने अतीत का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हम अपनी समृद्ध परंपरा से सही अर्थ में विरासत संभालते हुए अपने को जोड़ नहीं पाते हैं। इन्हीं कारणों से कुछ एक नकारात्मकता हावी है। बावजूद इसके विभिन्न, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, अध्यात्म हो, धर्म हो, दर्शन हो, चिंतन हो, राजनीति हो, जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, बिहार शीर्ष पर रहा है और बिहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कविता की पहली वाणी यही फूटी थी महर्षि वाल्मीकि के अनुष्टुप छंद के माध्यम से। यही कि याग ऋषि याज्ञवल्क्य ने पहली राम कथा इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम में कही थी। यही अष्टावक्र गीता का भी प्रणयन किया गया था। यही जगत जननी सीता का प्राकट्य हुआ था। विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला समृद्ध राज्य, समृद्ध जनपद बज्जी संघ का नेतृत्व करता हुआ वैशाली यही है, जिसको देखते हुए राम ने अपने किशोर वय में ही इतना अपने आप को प्रभावित किया था, अपने आप को समृद्ध कर लिया था। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा नवनिर्मित पदाधिकारी और सदस्यों का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला महासचिव ने कहा कि संगठन की बिहार सरकार और केंद्र सरकार के यहाँ जो लंबित मांग है उसके लिए सरकार के सचिव से मिलकर समाधान करेंगे। फरवरी को जो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिला के तमाम विधायकों का अभिनंदन समारोह तथा मुजफ्फरपुर जिला का चुनाव हम लोगों ने कराया था, आज जो उस दिन जो चुने गए 28 तारीख को जो चुने गए पदाधिकारी, आज उनको हम लोग यहाँ पर अभिनंदन ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से कर रहे हैं। अभिनंदन के साथ उनको जो पद जो दिया गया है उसके अनुरूप क्या क्या काम करना है उन तमाम चीज़ों को आज हम लोग बताने का काम करेंगे। और साथ ही जो भारत सरकार के समक्ष बिहार सरकार के समक्ष जो हमारे डीलरों की अनेक समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं पर हम लोग अभी वार्ता करेंगे और अगली रणनीति क्या होगा उसकी तैयारी की करेंगे। इसी के लिए आज हम लोगों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था, आज अभिनंदन कर लिया गया है। अगली रणनीति को हम लोग जो ही हम लोग तय करेंगे फिर अगला संघर्ष अगर करने की जरूरत हुई तो रोड से सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम करेंगे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वॉन्ट टू गिव योर चाइल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन द स्कूल ऑफ योर ड्रीम प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है जैसे बच्चों की देखभाल करना, हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है, क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है, हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है, कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स दादर रोड मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू,
पात चूरा जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960।
या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप अपराधियों ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले में बेलगाम अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। शनिवार की देर शाम करीब 9:30 बजे अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय विनोद कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब व्यवसाय विनोद ब्रह्मपुरा इलाके के इमलीचट्टी स्थित अपना इलेक्ट्रॉनिक का दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी क्रम में पीछा कर अपराधियों ने व्यवसाय विनोद को दरवाजे पर गोली मारकर भाग निकले। गोली लगते ही विनोद चौधरी जमीन पर गिर गए। गोली की आवाज सुनते ही परिजन बाहर निकले और आनंद फानन में इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के दाहिने तरफ सीने में एक गोली लगी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अय्यापुर थाना की पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक विनोद चौधरी सिवाई पट्टी के सुरजन पकड़ी गांव के रहने वाले थे और पिछले कई वर्षों से 0 माइल चौक स्थित मोहल्ले में उनका अपना मकान भी है, जहां पूरे परिवार के साथ रहते थे। घटना को लेकर मृतक के परिजनों में आक्रोश है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही नगर DSP रामनरेश पासवान, अय्यापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार दलबल के साथ SIT की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। मामले में नगर DSP रामनरेश पासवान ने बताया कि घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आसपास में लगे CCTV को खंगाला जाएगा। मौके से एक खोखा भी बरामद किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं चल पा रहा है, हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। परिजनों से बातचीत हो पाई है क्या? कुछ परिजन से बातचीत किए हैं, लेकिन कोई भी बात स्पष्ट रूप से अभी बताया नहीं है, लेकिन हम लोग हर बिंदु पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। मौके से खोखा का मिला? हाँ, घटना स्थल के पास से खोखा बरामद हुआ। मृतक की क्या पहचान है, फिर क्या करते हैं? ये विनोद कुमार इनका नाम है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोले हुए हैं इमली चौक चट्टी चौक पे। प्रॉपर्टी भी लोडी बताया जा रहा है, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद बताया जाएगा। 0 माइल रोड स्थित नॉर्थ बिहार फाइन आर्ट्स के 4th वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को अखाड़ा घाट 0 माइल रोड स्थित नॉर्थ बिहार फाइन आर्ट के 4th वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DRP सोशल ऑडिट पटना के संजय कुमार शामिल हुए।
कार्यक्रम में संस्था के डायरेक्टर आनंद कुमार सहित संस्था के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इस दौरान डीएसपी ऑफिस के हुए पेंटिंग प्रतियोगिता में सफल हुए 6 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें फर्स्ट प्राइज सुजाला कुमारी, सेकेंड प्राइज आमना कुमारी, थर्ड प्राइज सांभवी कुमारी शामिल है। नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट के तरफ से इंस्टीट्यूट के अंडर बेस्ट पोर्ट्रेट का अवार्ड मोहम्मद कलाम को दिया गया और बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड विनीता कुमारी को दिया गया। संस्था के डायरेक्टर आनंद कुमार ने बताया और मुख्य अतिथि संजय कुमार ने बताया कि आज संस्था अपना 4th वर्षगांठ मना रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए सफल बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट का 4th साल है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल हम अपने बच्चे को, जो हमारे बच्चे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा स्केचिंग कर रहे हैं, वाटर कलर कर रहे हैं, ऑयल कलर कर रहे हैं, उनको हम लोग प्राइज़ दें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज़ दें। उससे भी ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर शहर में, आर्ट का एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो, आर्ट को लोग समझे, जाने, इसमें भी अच्छा फ्यूचर है, इस चीज़ को जाने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज पहुँच पाए लोगों के बीच में कि आने वाले भविष्य में जो आर्ट फील्ड है उसका बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है। ओके, जैसा कि आनंद जी जो इस संस्थान के संचालक है, उनके द्वारा जो है ये 4th उनका वर्षगांठ है इस संस्थान का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन जो है बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो है फाइन आर्ट की कला के लिए जो है बच्चे को जो है जागरूक किया जाता है, ताकि बच्चे जो है आसानी से पढ़े और उसमें उसका भविष्य जो है उज्जवल हो। मैं ख़ास तौर पे आनंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी शायद हमको लगता है इस एरिया में इस तरह के इंस्टीट्यूट मैंने अभी तक नहीं देखा है, और इसे और भी ज़्यादा अच्छे से करें और बच्चे इससे लाभान्वित हो, इस तरह का कोई एक मुहिम चलाएं ताकि आने वाले समय में बच्चे जो है इस कला के प्रति थोड़ा सा उत्सुक दिखें। और मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा इस कला, इस इंस्टीट्यूट के जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने इस बच्चे को, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो जो विभिन्न तरह के जो कलाकृति लगी हुई है, ये काफ़ी अच्छे हैं, और ये देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी इसको सीख पाता, लेकिन मैं सीख नहीं पाया। और इस कलाकृति से हमको लग रहा है कि इस सरकारी जो भी विद्यालय हैं या प्राइवेट जो भी विद्यालय हैं, इसमें इसके जो भी बच्चे आते हैं, ये अगर सीख जाए तो आगे इनका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। कमरा मोहल्ला स्थित गुलमाने अहलवैद कमेटी द्वारा निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। गुलमाने अहलवैद कमेटी की ओर से रविवार को कमरा मोहल्ला स्थित एक विद्यालय के परिसर में निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग, हड्डी रोग और मेडिसिन सहित अन्य रोगों से संबंधित मरीजों को पटना के चिकित्सकों के द्वारा परामर्श दिया गया। साथ ही शिविर में इको, ECG, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, VMI, ब्लड ग्रुप आदि की मुफ्त जांच भी किया गया। कैंप में आए मरीजों को आवश्यकता अनुसार मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराया गया। इस कैंप में 270 मरीजों का इलाज किया गया। वही गुलमाने अहलवैद कमेटी के अध्यक्ष इरशाद हुसैन गुड्डू ने बताया कि वर्ष कमेटी की ओर से निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी रोगों से संबंधित चिकित्सकों द्वारा मरीजों को निशुल्क परामर्श, जांच और दवाइयां दी जाती है। लगभग 260 आदमी का जो है मुफ्त में जांच हुआ है, ECG, इको, ब्लड शुगर, BP। आज आयोजन है कि गुलमाने अहलवैद कमेटी की के द्वारा जो है आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, है ना। इसमें निशुल्क जो है लोगों का स्वास्थ्य जांच हुआ है, जिसमें पटना फोर्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं, जिसमें हड्डी के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर ने लोगों का फ्री में जांच किया है, और मुफ्त में जो दवा है वो दवा भी कमेटी की ओर से मिल रहा है लोगों को। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को द परफेक्ट मिशन संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। रविवार को छाता चौक स्थित पाठशाला कोचिंग के सभागार में सीटेट और एसटेट की तैयारी करवाने वाली संस्था द परफेक्ट मिशन ने सीटेट और एसटेट की परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को मोमेंटो, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस सम्मान समारोह में लगभग 170 छात्रों को सम्मानित किया गया। द परफेक्ट मिशन के डायरेक्टर राजीव रंजन ने इस मौके पर कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया गया था, जिसका रिजल्ट उन्हें वैश्विक महामारी के होते हुए भी अच्छा देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने घोषणा किया कि हर रविवार को गरीब और असहाय छात्रों के लिए 4 घंटे का निःशुल्क क्लास दिया जाएगा, जो कि अगले रविवार से शुरू होगा। परफेक्ट मिशन विगत सीटेट और एस्टेट में उत्तीर्ण हुए बच्चों का सम्मान समारोह मना रहा है, जिसमें आज कुल 272 बच्चे को सम्मानित किया गया, जो हमारे इस बार के सीटेट एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुए और एसटीट बिहार सरकार के एसटीटी के एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुए हैं। आज द परफेक्ट मिशन अपने 8वें साल में प्रवेश कर चुका है, जिसमें द परफेक्ट मिशन 2015 से जो सीटेट का जो पढ़ाने का सिलसिला चालू हुआ हम और हमारे टीचर्स के सहयोग से, वो आज इस भारी भरकम रिजल्ट के रूप में परिणत हुआ है। और इस बार का रिजल्ट काफ़ी खास है। ये कोरोना जैसे बड़े से महामारी के बावजूद, जिसमें कोरोना काल में मैंने अपने बच्चों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा जो प्रोवाइड किया, उसका ही देन है कि आज जो ये बड़े संख्या में जो आप बच्चे मेरे पास देख रहे हैं, ये उस ऑनलाइन प्रिपरेशन का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि द परफेक्ट मिशन आज और भी खुशियाँ कई गुना आज मेरी खुशियाँ बढ़ चुकी है। इसके पीछे वजह है कि आज जो द परफेक्ट मिशन सुपर 100 बैच जो स्टार्ट किए थे, 100 बच्चे का जो निःशुल्क शिक्षा का जो कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया था, वो आज रंग ला चुका है। और आज मुजफ्फरपुर में ना सिर्फ सुपर 100 बल्कि कई तरह से जो मैं बच्चों को सहयोग करने के लिए अनाउंसमेंट पहले भी कर चुका हूँ, उस तरह से कर रहा हूँ, आज फिर से एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। सुपर 100 तो चलता ही है और मेरा चलता ही रहेगा। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक और नया अनाउंसमेंट इस मुजफ्फरपुर के लिए करने जा रहा हूँ। अगले संडे से एवरी संडे निःशुल्क शिक्षा पूरे मुजफ्फरपुर के लिए, हर बच्चे के लिए अभी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही शराब मुक्त और तिलक दहेज मुक्त बिहार के निर्माण का संकल्प भी सदस्यों ने लिया। नागरिक मोर्चा के संस्थापक मोहन प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर बिहार दिवस का स्वागत किया तथा बिहार के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मोर्चा के संस्थापक मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि आने वाले समय में बिहार की प्रकाश से सारा राष्ट्र प्रकाशित होगा, सारी दुनिया में बिहार एक आदर्श राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। पूर्व संध्या पर नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर दीपोत्सव आयोजित कर हम सभी बिहार वासियों का अभिनंदन स्वागत करते हैं कि बिहार दिवस हमेशा अमर रहे और जिंदाबाद रहे। एक बिहारी 100 पे भारी, बिहार जगेगा देश बढ़ेगा, इसी नारों के साथ आज हम बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर नागरिक मोर्चा सबों को अभिनंदन और स्वागत कर रही है। बिहार आने वाले समय में पूरे देश का मार्गदर्शन करेगा। नशा मुक्ति और तिलक दहेज के विरोध में नागरिक मोर्चा सभी लोगों को जागरूक करती है कि आज बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर सभी लोग यह संकल्प लें कि शराब बिहार में पूर्ण रूपेण बंद हो और तिलक दहेज नहीं लिया जाए, उसके खिलाफ भी पूरा बिहारवासी गोलबंद हो। बिहार देश के लिए गर्व है कि बिहार ही देश में पहला राष्ट्रपति दिया। बिहार ही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान स्थली, और बिहार ही वो स्थान है जहां आज 1916 में आज ही के दिन विश्वविख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का बिहार के बक्सर में जन्म हुआ। बिहार का अपने आप में एक महान गौरव है। बिहार ही मीठे फलों के लिए प्रसिद्ध है। लीची, केला, तमाम फल
बिहार में होते हैं। बिहार ऐसा राज्य शायद दूसरा नहीं है। बिहार ही में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए, जो बिहार में उद्योगों का जाल बिछा दिया था उन्होंने। उस प्रकार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अनुग्रह बाबू के कार्यकलापों से बिहार के राजनेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।